हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जम के बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आमले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो ये निश्चित है। अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने। हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना। कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए, गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज, शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं बस। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है जम के बोलिए, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो, 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान व्यापार व्यवसाय में उसको बांध दीजिए, और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो वो जमीन में ले आकर गाड़ दीजिए, आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए, बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए, आपका रोग आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाए। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए, और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए, आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा, उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो, और
बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही है, गोलियां ही गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है, 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है, 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेट कर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव, शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है, जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है, जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया विषहरा सामरीबारी धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। महाराज तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है, 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5 एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि करना, कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है, शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा,
हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ, 1 बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी, ये पूरे शिवलिंग का वर्णन, 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि, आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लांट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना, घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, यह 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो, तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर, और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना, 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते, मानदाता तब करे, फल नहीं मिला, जब मानदाता को फल नहीं मिला तो मानदाता ने सोचा मैं तप करूं तो करूं क्या, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ, मानदाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे, केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे, पूजन करते गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते, बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला, उनको नहीं मालूम कि 1 शिवरात्रि निकल गई, 2री शिवरात्रि आई है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है, एक शिवरात्रि अपन पंजाब में थे भटिंडा, तब पड़ी थी, जनवरी की पड़ी थी, वो जनवरी की, अब फरवरी की जो शिवरात्रि पड़ेगी वो अपन झारखंड में रहेंगे, 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में, तो बीच में शिवरात्रि पड़ेगी, इसलिए उस कथा का नाम पतालेश्वर शुमहापुराण की कथा रखी है, हड्डी उसमें मूल है आपका, आपका बुढ़ापा ना बिगड़े उसके लिए वो कथा है, 5 दिन की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक आएगी आस्था चैनल पर भी, और झारखंड के आसपास के जितने श्रोता हैं सब सुनो, जमशेदपुर में काजू बगान में वो कथा होगी, बड़े प्रेम से सुनो।
काजू बगान में तुम ये सोचकर मत आना कि काजू तोड़ के खा लेंगे। दिल से सुनो उसको, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा। कुछ जगह ऐसी होती हैं उस कथा का मूल, जैसे 7 मार्च से 13 मार्च की सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा जरूर सुनो, मौका मिल जाए तो। 5 माताएं, भाई लोग, बहन लोग जो भी हैं, जीजा जीजी सब कथा में पहुंचकर उसमें सेवा भी करो और कथा भी सुनो, दिल से सुनो। भगवान की भक्ति को धारण करिए। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले विरोध करने वाले करते रहते हैं, शाम को तो व्रत ये वाला उपास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी, बोलने वाले बोलते रहेंगे। तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। अपने को मतलब नहीं कुछ भी, अपन को सोचो। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करें, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी, और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो, उसी गमले में उसी मिट्टी को वहीं विसर्जन कर। प्रयास करो, उसका फल मिलता है, शंकर भगवान प्रकट होगा। कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं, मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है, अब मैं मांगू ये श्रेष्ठता कहाँ है, मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो, और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो। हमने कथा में कहा था शुरू में, माता क्या होती है, निर्माता। आप माता हो, आप निर्माता हो। अपने बच्चे के हाथ में एक लोटा जल लेकर मंदिर भेजने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जवाबदारी तुम्हारी है, कोई दूसरा नहीं निकलवा।
आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, दो महीने में, छह महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन करकर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन कर। कोई नियम बना लो कि एक महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं तीन महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बनाओ कि मैं छह महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर।